नमस्कार एवरीवन, हम आज रीजनिंग में बेस्ट 50 क्वेश्चंस करने वाले हैं। सो क्वेश्चन नंबर वन से स्टार्ट करते हैं। देखो, क्वेश्चन करने का पैटर्न क्या है, क्वेश्चन किस तरीके से अटैम्प्ट करना है, मैं आपको वो बताने वाला हूँ। सो ये क्वेश्चन हमारे पास प्रीवियस ईयर्स के लिए में से ही आए हुए हैं। सो अगर आपने इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ली, इट मीन्स आपके जो फर्दर एग्जाम्स आने वाले हैं तो उनमें आपकी अच्छी खासी तैयारी हो जाएगी। आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। सो ईच लेटर ऑफ द अल्फाबेट फ्रॉम ए टू जेड हैज़ बीन ए वैल्यू फ्रॉम 1 to 6 सीरियली। बोलर, आपके पास क्वेश्चन पढ़ने में टाइम खराब नहीं करना, आपको क्वेश्चन दिख रहा है ना, डायरेक्ट क्वेश्चन करना, सोल्व करो। तो बुश, हमारे पास जब भी ऐसा क्वेश्चन आएंगे तो हम क्या लिखेंगे, डायरेक्ट कोडिंग लिखेंगे। तो 2 लिखा हमने, ठीक है, यहाँ पे 21 लिखा, एस मतलब 19 और एच मतलब 8, इनको ऐड करके देखते हैं। तो 21 और 19 40 और 10 50, मतलब कि ऐड करने पे हमें सम मिल रहा है। तो 3 1 13 और 16 29 30 और 33, मतलब हमने इन सभी को अगर ऐड कर देंगे तो हमें इनका आंसर मिल जाएगा। तो 12, आई से 9, के से 11 और ई से 5, तो 11 और 5 16, 25 एंड 12 37 इज द करेक्ट आंसर। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, विच वर्ड हैज़ द मैक्सिमम वैल्यू। देखो, मैक्सिमम वैल्यू मीन्स आपको सभी वर्ड्स को ऐड करना है और हमें फिर सोल्व कर देना है। तो बी मीन्स 2, ये 21, आर मीन्स 18 और एन मीन्स वॉट 14, तो 32, 34, 35, 45 एंड 55, तो 55 हो गया, ये हो गया 3, ये हो गया 21, ये R हो गया, मतलब हमारे पास 18 और T हमारे पास हो गया 20, तो 38, 38 और 3, 41, 42, 52 एंड 62 हो गया, 4 हो गया, ये 21 हो गया, ये 3 हो गया, ये 11 हो गया, सो 25 और 3, 28, 28 और 11, 28 और 11, 39, सो 2 हो गया, 21 हो गया, 15 हो गया एंड 25 हो गया, ठीक है। तो ऐड करेंगे तो 23 एंड 15, देखो वैसे हमें क्लियरली दिख रहे हैं। अगर आप इसको शॉर्ट ट्रिक से करना चाहो तो हमें U और Y दिख रहे हैं, दो ऐसे वर्ड्स हैं हमारे पास जो बड़े बड़े वर्ड्स हैं, बाकी सब में छोटे छोटे वर्ड्स हैं, ठीक है। सो 21 टू 23, 38, 38 और 25 कितना हो जाएगा हमारे पास, 43, 53 एंड 63। तो हमारे पास सबसे बड़ी वैल्यू कौन दे रहा है, ये दे रहा है। वैसे अगर आप शॉर्ट टाइम में करना चाहो तो हमें क्लियरली दिख रहा है कि ये हमारे पास U एंड Y दो 20 प्लस अल्फाबेट्स दे रहा है और O भी हमारे पास एक बड़ा नंबर है। ऐसे क्वेश्चंस को इस तरीके से किया जाता है। वैसे तो विच वर्ड हैव द इक्विवेलेंट वैल्यू, तो देखते हैं इक्विवेलेंट वैल्यू क्या। देखो, किंग और कास्ट, तो किंग हमारे पास क्या हो जाएगा, 11, 9, 14 और 7, और इधर हमारे पास क्या है, कास्ट, तो 3 है, 1 है, ये हमारे पास 19 है और ये हमारे पास 20 है। तो ऐड करेंगे तो 20, 34 और 7, 41 हो गया, इधर 4, 19 और 4, 19 और 4 हो जाएगा 23 एंड ये हो जाएगा 43। देखो, ये हमारे पास इक्विवेलेंट नहीं है, ये 41 है, ये 43 है। इधर देखते हैं अगले चेक, 2 21, 18, 25, इधर देखो 19, ये हमारे पास 21, आर हमारे पास 18 और ये हमारे पास 5, तो 23 और 18, 41, 41 और 5, 46, 56, 66, इधर कितना हो जाएगा, 9, 1, 10, 18 और 5। देखो, हमने स्टार्टिंग पे लास्ट डिजिट चेक कर लेते हैं, तो 9 और 1, 10, 10 और 8, 18, 18 और 5, 23, लास्ट में 3 आने वाला है ना, आगे चेक मत करो, कोई ज़रूरत नहीं है। सो 18 हो गया, ये 9 हो गया, C मीन्स 3 हो गया, H मीन्स 8 हो गया, B मीन्स 2 हो गया, ये 15 हो गया, A मीन्स 1 और T मीन्स 20, 27, 30, 38 हो गया इधर, तो इधर 5, 2, 7 और 5 और 2, 7, 7 और 1, 8, यस हो सकता है, तो 17 और 1, 18, 18 और 2, 20, 38, इट मीन्स सी इज द करेक्ट आंसर। जब एक आंसर हमारे पास आ गया तो आप डी ऑप्शन पर नहीं जाएंगे और आप चेक नहीं करने वाले, क्योंकि इसने इक्विवेलेंट पूछा था, मतलब हमें कौन से वैल्यू इक्वल दे रहा है। विच इक्वेशन इज करेक्ट, सो हमें x की वैल्यू पता है 24 होता है और हमें y की वैल्यू पता है कितनी होती है, 25 होती है, सो ये तो 49 बन रहा है। z हमारे पास 26 होता है और t हमारे पास 20 होता है, 26 में से 20 गया तो हमें 6 मिल गया, इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। b इंटू वी, वैसे चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि 2 इंटू 21 मिलने 22 मिलने वाला है, 44 और R हमारे पास 18 है और ये 9 है, तो हमारे पास 2 मिलने वाला है, तो बाकी सारे ऑप्शन अपने आप ही गलत हो गए। तो देखिए, मैं आपके पास एक बाई मिस्टेक हमारे पास जो अगला क्वेश्चन 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास दो टाइम स्प्लिट हो गया है, तो आप प्लीज़ एक क्वेश्चन को आप इस क्वेश्चन को आप हटा दीजिएगा, बट फिर भी मैं इसको सोल्व कर देता हूँ, ठीक है। कैसे, वट विल कम एट द प्लेस ऑफ, सो आपके पास क्या करना है, 20 आपको कोडिंग तो लिखनी पड़ेगी, ये हमारे पास क्या हो गया, 5 हो गया, ये हमारे पास क्या हो गया, 25 हो गया, तो 20 और 5, 25 दिख रहा है मुझे, बट देखते हैं क्या होता है।
15 हो गया, के हमारे पास 11 हो गया, ये हमारे पास 26 हो गया, ठीक है। आर कितना हो गया 18 और ये कितना हो गया 7। सो हमें क्लियरली दिख रहा है 20 और 5 25 हो गया, 15 और 11 26, तो 18 और 7 कितना हो जाएगा 25। एंड 25 स्टैंड्स फॉर व्हाट? वाई। 25 स्टैंड्स फॉर व्हाट? वाई। सो आप इस क्वेश्चन को काउंट नहीं करेंगे, मैं पहले ही बता चुका हूँ। सो इस क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ए लेडी रन्स 12 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, तो देखो 12 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ गई, देन 6 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ, तो साउथ। अब जब 12 किलोमीटर ऊपर गई तो 6 किलोमीटर साउथ की तरफ गई, मींस आधा डिस्टेंस कवर किया है, तो इसी के ऊपर, लेकिन मैंने इसको साइड में ड्रॉ कर दिया। एंड देन 8 किलोमीटर टुवर्ड ईस्ट, देखो ईस्ट होता है हमारे पास इस तरफ, तो ईस्ट हमारे पास इधर चली गई 8 किलोमीटर। एक्चुअली में डायग्राम कैसे बना, एक्चुअली में ऊपर, फिर अगर मैं इसको दूसरे स्केच से बनाना चाहूं, तो आधा डिस्टेंस नीचे और फिर हमारे पास इधर, समझे, ये 8 हो गया, ये भी 6 और ये भी 6, ठीक है। स्टार्ट यहाँ से किया था। हाउ फार इज शी फ्रॉम हर स्टार्टिंग पॉइंट, देखो यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ पहुँची, तो ये 6 है, ये 8 है, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 10। कैसे? क्योंकि आपने परपेंडिकुलर थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम पढ़ रखी है, 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर होता है, तो ये 6 ये 8 तो ये 10 हो जाएगा, इट मीन्स आंसर इज 10, ठीक है। आपको पाइथागोरस ट्रिपलेट्स याद होने चाहिए, 3, 4, 5 का पाइथागोरस ट्रिपलेट होता है, 6, 8, 10 का पाइथागोरस ट्रिपलेट होता है, तो इस तरीके से आपको याद होनी चाहिए। 36 प्लस 64 इज इक्वल टू 100। विच डायरेक्शन इज सी फ्रॉम हर स्टार्टिंग पॉइंट, देखो स्टार्टिंग पॉइंट उसका यहाँ पे था, अभी वो इस डायरेक्शन में है, तो ये कौन सी डायरेक्शन हुई आपके पास हिसाब से? ये नॉर्थ है, ये हमारे पास वेस्ट है, ये हमारे पास ईस्ट है, तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन हो गई। सो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन हो गई हमारे पास इस क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हेयर आर सम वर्ड्स ट्रांसलेटेड फ्रॉम एन आर्टिफिशियल लैंग्वेज। माई पाई इज ब्लू लाइट, देखो यहाँ पे माई पाई, यहाँ पे माई टाई, तो माई तो हमारे पास दोनों में कॉमन आ रहा है, तो इट मीन्स यहाँ पे ब्लू भी कॉमन आ रहा है, तो एक चीज़ क्लियर हो गई हमारे पास कि माई को तो हम ब्लू बोलेंगे, आई टाई और यहाँ पे माई टाई, तो यहाँ पे टाई जो है यहाँ पे ये दो कॉमन आ रहा है, बट यहाँ पे ब्लू बेरी और यहाँ पे रेस्प बेरी, तो इट मीन्स यहाँ पे बेरी कॉमन आ रहा है, तो जो टाई के जो कोडिंग हो गई वो हमारे पास क्या हो गई, वो बेरी हो गई। जब माई की कोडिंग ब्लू हो गई तो पाई की कोडिंग क्या हो गई, लाइट हो गई, नहीं हो गई, तो पाई की कोडिंग हमारे पास क्या हो गई, लाइट हो गई। तो इसने बोला है कि लाइट फ्लाई की कोडिंग क्या होगी, तो लाइट की तो कोडिंग हमारे पास क्या हो गई, पाई हो गई। अब फ्लाई देखो हमारे पास फ्लाई कहीं पर भी मेंशन नहीं है, तो इट मींस पाई तो हमारे पास आने ही वाला है, और माई टाई और आ नहीं सकता, क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि माई को तो हम ब्लू बोलेंगे, टाई को हम बेरी बोलेंगे, सो हमें तो फ्लाई चाहिए, सो पाई इज आई, देखो हो सकता है, लेकिन पाई माई क्या हो सकता है, क्योंकि ये तो हमारे पास लाइट है, लेकिन माई हमारे पास क्या है, ब्लू है, तो ब्लू तो हमारे पास होने वाला नहीं है, तो ये ऑप्शन तो हमारे पास डिलीट हो गया है। आई जाइ, ठीक है, देखते हैं क्या है। देखो हमें एटलीस्ट लाइट का तो मुझे पता है ना कि पाई होने वाला है, तो पाई तो आने ही आने ऑप्शन में, तो ये भी नहीं हो सकता, और पाई हमारे पास यहाँ पे भी नहीं है, ये भी नहीं हो सकता, सो एट यही हमारे पास ऑप्शन बचा, इट मीन्स जो जाई बोलेंगे, जी बोलेंगे, जो भी आप बोलना चाहो बोल लो, तो जेड आई ई हमारे पास किससे डिनोट करेगा, हमारे पास ये फ्लाई से डिनोट करने वाला है, तो इस तरीके से हम ऑप्शन को डिलीट करेंगे। क्वेश्चन को एलिमिनेट करने के तरीके से भी हम क्वेश्चन कर सकते हैं। स्टूडेंट, देखो आपके पास स्टूडेंट है, तो किस तरीके से हम इसको अरेंज करेंगे वो देखते हैं। देखो ये हमारे पास कौन से वर्ड पे है, 19 पे, ये कौन से वर्ड पे है, 18 पे, मतलब एक वर्ड कम किया गया है। टी हमारे पास कौन से वर्ड पे, 20 पे, एस हमारे पास कौन से वर्ड पे, 19, मतलब एक वर्ड कम किया गया है, तो ये 21, ये 20, ये 4, तो ये जो तीन वर्ड्स हैं ये किस पर है, 21, और टी हमारे पास किस पर है, 20 पर, तो इनमें तो तीन में तो हमने कम किया। अब डी के देखते हैं, देखो डी हमारे पास किस पे है, डी हमारे पास 4 पे है, तो ई हमारे पास किस पे आएगा, 5 पर दे रखा है, समझ पा रहे हो मेरी बात, ई हमारे पास किस पे है, 5 पर, तो डी हमारे पास क्या है, फिर 4 हो गया, तो फिर एक कम हो गया, मतलब जो बीच वाला वर्ड है वो अकेला वर्ड ऐसा है जो हमारे पास बढ़ा हुआ है, 4 से डी है तो ई है, ई है तो डी है, ये किस पर है, 14 पर, एम किस पर हो गया, 13, ये भी कम है, ये 20 पर, ये 19 पर, सारे वर्ड्स हमारे पास एक एक माइनस किए गए हैं, सिर्फ बीच वाला वर्ड है वो प्लस 1 किया गया है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो बोला गया टीचर, तो देखो तीन वर्ड्स इधर हो गए, तीन वर्ड्स इधर हो गए, सी हमारे पास बीच में है, तो इससे में एक वर्ड बढ़ा देंगे, तो बीच में हमारे पास डी मिलने वाला है, तो डी में तो हमारे पास ये नहीं होगा, डी हमारे पास ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, अब हम क्या करेंगे, सब में के कम कर देंगे, 20 है तो 19 में एस होगा, तो तीन हो सकते हैं, ई हमारे पास 5 है, तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन होने वाला है, डी होने वाला है, एक कम होगा ना, तो यहाँ पर भी डी नहीं है, यहाँ पर भी डी नहीं है, बट यहाँ पर हमारे पास क्या है, यहाँ पर डी है, तो हमारे पास क्या आंसर हो जाएगा, कैलकटा इज द आंसर। तो पूरा क्वेश्चन हमें पूरा कोडिंग नहीं करना है, अब जब भी ऐसे रीजनिंग में क्वेश्चन आते हैं पूरा क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं करना होता, सिर्फ मेन चीज़ पकड़नी होती है।
इफ चेयर इज कोडेड एज एफ के डी एल यू देन रेड इज, देखो ये हमारे पास क्या है, थ्री है, एच हमारे पास क्या है एट, ये वन, ये नाइन, ये एटीन, आप इनको स्पीडली लिख सकते हो। जब ये थ्री है तो ये क्या है मेरे पास सिक्स है, ये मेरे पास क्या है इलेवन, ये फोर है और ये हमारे पास ट्वेल्व है, ये हमारे पास ट्वेंटी वन। अब ध्यान से देखो, अगर थ्री प्लस थ्री सिक्स, एट प्लस थ्री वन, प्लस थ्री नाइन, प्लस थ्री एटीन, प्लस थ्री, मतलब सभी में प्लस थ्री की हमने एडिशन कर रखा है। आर क्या होता है एटीन, वन नाइन फोर, तो ट्वेंटी वन हो जाएगा, ये फोर हो जाएगा, नाइन और थ्री ट्वेल्व, ट्वेल्व मतलब एल हो जाएगा, और फोर और थ्री सेवन, सेवन मतलब जी हो जाएगा, तो यू डी एल जी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। यस और नो, इफ द वर्ड पेंसिल इज कोडेड एज लिन एल आई सी एन ई पे, देखो पेंसिल दिख रहा है, ये पेंसिल इधर जाओ और पी ई एन सी आई एल इधर जाओ, तो सीधा इंक पोर्ट का उल्टा कर दो, आई एन लास्ट, आई एन के पी ओ टी, डी इज द करेक्ट आंसर। आशाज हाउस साउथ डायरेक्शन, बोल रहा आशा का जो घर है वो साउथ डायरेक्शन में है, ठीक है। सी रन्स अहेड, देखो वो साउथ डायरेक्शन मतलब उसका फेस अभी साउथ की तरफ है। सी रन्स अहेड 10 मीटर, वो आगे 10 मीटर भागती है, तो मतलब साउथ की तरफ ही जाएगी पहले वो, क्योंकि उसका जब दरवाजा साउथ की तरफ है तो 10 मीटर आगे की तरफ जाएगी। देन टर्न्स लेफ्ट, देखो वैसे मैंने आपको क्लियरली बताया भी था कि हम क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज तरीके से देख सकते हैं, बट फिर भी कुछ बच्चे हैं जो ऐसे करके देखते हैं, है ना। देखो अगर उल्टा करके देखोगे तो हमारे पास ये राइट ये लेफ्ट, तो आप चीज़ों को समझो, जो मैंने वीडियोज बना रखी हैं डायरेक्शंस पर, वो हमारे पास चीज़ें शॉर्ट ट्रिक्स हैं, आप उन चीज़ों से आप क्वेश्चंस को स्पीडली सोल्व कर सकते हो। तो टर्न्स लेफ्ट, लेफ्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, आपके पास एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो टर्न्स लेफ्ट एंड रन्स 5 मीटर। देन सी टर्न्स लेफ्ट अगेन, लेफ्ट मतलब अगेन है हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज, और 5 कितना चल रही है वो। देन सी टर्न्स लेफ्ट अगेन एंड टर्न्स 15, देखो ये 10 है तो 15 कहीं ना कहीं से ऊपर ही होगा, तो ये 15 हो गया। एंड देन अगेन टर्न्स लेफ्ट एंड रन्स 10 मीटर, अब 10 मीटर चलेगी तो ये तो 5 मीटर है, तो इट मीन्स हमारे पास वो कहीं ना कहीं यहाँ तक चलेगी और वो 10 मीटर हो गया। फाइनली सी टर्न्स राइट, अब बोल रही है वो राइट की तरफ जा रही है, एंड रन्स 5 मीटर टू रीच हर फ्रेंड्स हाउस, अब वो 5 मीटर राइट की तरफ जा रही है, सो हमने ऊपर की तरफ बना दिया, ये हमारे पास 5 हो गया, ये टोटल हमारे पास 10 है। वट डायरेक्शन इज आशाज आशाज फ्रेंड्स हाउस फेसिंग, देखो उसका हाउस किस तरफ है, इस तरफ फेस हो रहा है, लेकिन यहाँ से देखिएगा आपसे क्या बोला गया है कि आशा का जो फ्रेंड है उसका हाउस किस तरफ फेस कर रहा है, क्या मैं कह दूं कि ये नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ फेस कर रहा है, तो क्या आंसर हो जाएगा हमारे पास, नॉर्थ डायरेक्शन, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 12 चलते हैं, इन द क्वेश्चन सीरीज, देखो हमारे पास सीरीज गिवन है और सीरीज के क्वेश्चन आप सेकेंड्स में कर सकते हो अगर आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस है, ठीक है। तो 6 24, देखो हमें क्लियरली दिख रहा है कि आपके पास यहाँ पर क्या चीज़ें, आपके पास दो तीन प्रोसीजर होते हैं, ठीक है। नंबर वन, आप इसमें सब्ट्रैक्शन कर लीजिएगा, नंबर टू, तो सब्ट्रैक्शन करेंगे, देखो 24 में 6 गए तो 18, 60 में से 24 गए तो 36, और 120 में 60 गए तो हमारे पास क्या बचा, 60 बचा। तो अगर मैं इसमें से और डिफरेंस निकालूं तो ये कितना डिफरेंस बचेगा मेरे पास 18, और ये कितना डिफरेंस बचेगा मेरे पास 24। अगर मैं ध्यान से देखूं तो मेरे पास 6 का डिफरेंस बन रहा है, क्या इससे पहले मैं एक मल्टीप्लिकेशन देखता हूं, क्या 6 को क्या 4 से मल्टीप्लाई, अगर 24 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगा मेरे पास 60 बन जाए। अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, तो आपने इसको किया 4 से, आप 24 को 2.5 से करेंगे तो हो जाएगा, आई थिंक सो, समझ पा रहे हो मेरी बात। 24 को 2 से किया तो 48 को अगर इसके किया, 24 को 2.5 से किया तो आपको 60 मिलने वाला है, तो पहले आ रहा है 4, फिर आ रहा है 2.5 और फिर आ रहा है 2, तो ये हमारे पास कोई प्रॉपर सीक्वेंस नहीं बन रही, बट ये सीक्वेंस बन जाएगी अब हमारे पास 18 24, तो अगला कितना होना चाहिए 30, तो 60 और 30 कितना हो जाएगा हमारे पास 90, तो 120 और 90 कितना हो जाएगा हमारे पास 210, ठीक है। हमें डबल सब्ट्रैक्शन करना है, मैंने आपको एक सीरीज़ पे वीडियो बना के दी थी, उसमें 5-6 बातें बताई थी, और सीरीज़ के क्वेश्चन कभी भी उससे बाहर नहीं निकल के आते, ठीक है। 19981, देखो इसमें हमारे पास दो चीज़ें करके देख सकते हैं, आप ध्यान से देखें तो 9 1 9, 9 9 81, 81 9, क्या आपको प्रॉपर सीक्वेंस मिल रहा है, 81 को अगर 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आपको 90 मिल रहा है, नहीं मिल रहा, इट मीन्स ये पैटर्न तो आपके पास नहीं लगने वाला, ये पैटर्न तो नहीं लगने वाला, तो क्या पैटर्न लगेगा। सो अब मैं इस पैटर्न को देखो, हमारे पास क्वेश्चन में कंप्लीट द सीरीज़ करने को बोला है, तो आप इसमें सब्ट्रैक्शन करके देख लीजिएगा, या फिर मल्टीप्लिकेशन, आप इसमें अल्टरनेट सीरीज करके देख लीजिए, 1 ये हो गया 9, फिर 9 को 10 से किया 90 हो गया, फिर 90 में ऐसा क्या, नहीं, इट मींस इसमें कुछ मल्टीप्लिकेशन और कुछ एडिशन का
कॉन्सेप्ट लगने वाला है। अब ध्यान सुनना मेरी बात, हमने क्या किया, 9 1 9 कर दिया तो 9 9 81, लेकिन 81 में हमने क्या किया हुआ है, प्लस 9 किया हुआ है यहाँ पे, समझ पा रहे हो। फिर 90 में हमने मल्टीप्लाई बाई 9 किया हुआ है, देखो ध्यान से देखो, 90 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो 810, फिर हमने फिर प्लस 9 किया हुआ है तो 810 प्लस 9 819। तो हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई 9 प्लस 9 मल्टीप्लाई 9 प्लस 9, जब इसको आगे प्लस 9 हो चुका तो मल्टीप्लाई बाई क्या करोगे आप, इसको 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9 9 81 आ रहा है, तो 81 मतलब लास्ट में 1 तो आएगा ही आएगा। और अगर ध्यान से देखो तो हमारे पास 1 सिर्फ एक में ही है, एक में ही है। तो ऐसे क्वेश्चन में कभी भी टाइम वेस्ट नहीं करना होता, सिर्फ एक डिजिट मिल गई तो हमारे पास क्वेश्चन में कट टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। आगे क्वेश्चन में चलते हैं, 2 3 6 18। सो अगर मैं इसको देखना चाहूँ तो देखो, 2 3 6, 6 3 18, 18 6 हमारे पास 108, इट मीन्स आपको इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो 8 8 64, लास्ट में 4 आने वाला है, तो लास्ट में 4 मेरे पास सिर्फ यहाँ पर ही है, आई थिंक सो, यस यहीं पर ही है, इसको मैं टिक करूँगा और आगे बढ़ूँगा, पूरा क्वेश्चन चेक नहीं करने वाला क्योंकि मैं सारे सीक्वेंस प्रॉपरली मिल रहे हैं। तो हाउ टू अटेम्प्ट रीजनिंग क्वेश्चंस, प्लीज़ ये तरीके देख लीजिए, आपको पेपर में टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 15, बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 15, 1 2 3 4 5 7 7। देखिए आपके पास ये क्वेश्चन है, अगर मैं इसको बाई ऑल्टरनेट, क्योंकि मैंने आपको एक पैटर्न बताया था, याद रखिए, याद करिए वो पैटर्न कि जिसमें मैंने बताया था कि अगर मेरे पास कभी भी दो नंबर सेम मिल जाए तो मे बी हो सकता है कि वो सीरीज़ हमारे पास ऑल्टरनेट सीरीज़ हो, जैसे कि 1 3, ये 5 और ये 7, दिख रहे हैं ऑड नंबर्स हो गए ना, 1 3 5 7। इधर देखिएगा आप, ये 2, ये 4, और यहाँ पे देखो हमारे पास क्या मिल रहा है, यहाँ पे 7 मिल रहा है। 2 में कितना ऐड किया हुआ है, यहाँ पे 2 ऐड किया हुआ है। 4 में कितना ऐड किया हुआ है, 3 ऐड किया हुआ है। तो 7 में कितना ऐड करेंगे हम, 4 ऐड करेंगे, तो इट मीन्स यहाँ पे कितना आ सकता है मेरे पास, 11 आ सकते हैं यहाँ पे, 1 3 5 7, 7 को यहाँ पे क्या आ सकता है मेरे पास, यहाँ पे 9 आने के चांसेस हैं मेरे पास, यस और नो। तो यहाँ पे मेरे पास चांसेस हैं कि 7 में अगर 2 जोड़ दूँ तो 9 आ जाए, लेकिन क्या 11 और 9 हमारे पास ऑप्शन में दिख रहे हैं आप में, 11 एंड 9, बट 11 एंड 9 के आपको ऑप्शन में कहीं दिख रहे हैं, 9 एंड 11 दिख रहे हैं। सो आई थिंक इसका जो आंसर है वो ये होना चाहिए, बट ये आंसर ऑप्शन में नहीं है, तो हम इसमें इसको ब्लैंक छोड़ेंगे। अगर आपको कुछ लग रहा है कि कोई पैटर्न लग रहा है तो प्लीज़ आप इस पर कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना कि क्या आंसर होगा, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं, बोल रहे 24 5 7 6 6 1। देखिए जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं लंबे लंबे तो आपको थोड़ा सा मल्टीप्लीकेशन पर ध्यान देना पड़ेगा या फिर कुछ मिडिल टर्म पर थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा। जैसे कि अगर मैं करने की कोशिश करूँ तो 24 को कितने से मल्टीप्लाई करूँ कि ये मिल जाए, 4 बन जाएगा, 24 4 96, ठीक है। 96 को अगर 4 से करूँगा, देखो 400 से 4 कम है, तो 4 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करूँ तो 4 4 16, तो यहाँ पे 384 होना चाहिए, आई थिंक सो, ठीक है। तो अगर 384 को 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो चेक करते हैं, अगर 384 को 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 4 4 16, 6 carry 1 32, 3 4 3 12 एंड 3 15, यस 1 5 3 6। अब आई थिंक सो आगे सारे पैटर्न सही मिल रहे हैं, क्योंकि हमें क्या फाइंड करना है, रॉन्ग नंबर, और हमें रॉन्ग नंबर फाइंड कर दिया है कि 386 इधर रॉन्ग नंबर। कभी भी बड़े क्वेश्चंस वाले नंबर वाले क्वेश्चंस आए तो पीछे चलना होता है, बैकवर्ड से। सो क्वेश्चन नंबर 17 में देखते हैं, बोल रहा है क्या, देखो क्वेश्चन में हमारे पास मल्टीपल्स तो है, ये तो पता है, लेकिन कैसे है? अगर मैं देखूं तो 3 को 4 कैसे मिलेगा, 3 × 1 + 1, तो क्या मिल गया, 4 मिल गया, 3 × 3 3 + 1, 4 × 2 + 8 और +2, मतलब 4 में 2 से गुना किया और 2 है, तो मतलब 4 × 2 8 और 2 10 मिल गया। सो ऐसे ही मुझे 10 × 10 × 3 + 3 मिल जाना चाहिए था, तो 30 + 3 33 मिल जाना चाहिए था, यस और नो। अगर 33 होता यहाँ पे तो क्या मैं कह दूँ हमारे पास सीक्वेंस बिल्कुल सही होती। आप ध्यान से देखिए, आई थिंक सो, और कोई सीक्वेंस बन नहीं रही है, अगर कोई सीक्वेंस बनती है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। सो 33 × 4 कीजिएगा और +4 कीजिएगा, हमें 136 ही मिल रहा है, तो आई थिंक व्हाट इज़ द रॉन्ग ऑप्शन, 32 हमारे पास यहाँ पे नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे होना चाहिए 33 होना चाहिए था। सो 3 8 13 24 42 70। सो अगर मैं इस क्वेश्चन बात करते हैं तो देखिए यहाँ पे कितने गैप आ रहा है, 5 का गैप आ रहा है, यहाँ पे भी 5 का गैप आ रहा है, यहाँ पे कितने का गैप आ रहा है हमारे पास, यहाँ पे आ रहा है 7 और 4, 11 का गैप आ रहा है, यहाँ पे कितने का गैप आ रहा है, 18 का गैप आ रहा है, और यहाँ पे 28 का गैप। तो क्या जो गैप है ये कुछ शो कर पा रहा है, यहाँ पे कितने का गैप हुआ, 0 का, ये 6 का गैप हुआ,
ये 7 का गैप हुआ और ये हमारे पास 10 का, तो आई डोंट थिंक सो कि गैप तो हमारे पास कुछ चीज़ें कवर कर पा रहा है, गैप से तो कुछ नहीं होने वाला। सो कवर कैसे करेंगे हम? सो देखिएगा, 8 और 3 11, तो 11 और 2 13, ठीक है। 13 और 8 21, तो 21 में प्लस 3 कर देंगे तब हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 ऐड कर रहे हैं, यहाँ पे 3 ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो 24 में अगर 13 ऐड करें 37, समझ पा रहे हो, 24 और 13 37, और 37 में अगर हमें 4 ऐड करते तो 41 आ जाता, 41 अगर, और 24 अगर हम ऐड करते तो 65 हो जाता प्लस 5, समझ पा रहे हो मेरी बात का मतलब? देखो हम क्या कह रहे हैं, 8 प्लस 3, और हमने क्या किया यहाँ पे, प्लस 2 ऐड कर दिया, तो 8 प्लस 3 11 11 और 2 13 हमें मिल गया। 13 में हमने फिर क्या किया, हम 13 में 8 ऐड कर रहे हैं, बट जैसे ही 8 ऐड किया तो हमें प्लस 3 करते तो कितना मिल जाएगा, 13 और 21 21 और 3 24, हमें 24 मिल गया। ऐसे ही जब मैं 24 में 13 ऐड करूँगा, सॉरी 24 में 13 ऐड करूँगा, तो हमें 2 ऐड किया, 3 ऐड किया, तो यहाँ पे कितना ऐड करना चाहिए था, हमें 4 ऐड होना चाहिए था, तो 37 प्लस 4 41 आना चाहिए था, बट यहाँ पे क्या है, 42 है। सो क्वेश्चन कुछ अच्छे क्वेश्चंस हैं यहाँ पे, और ये आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चंस एज इट इज़ उठा के डाल रखे हैं मैंने यहाँ पे, ठीक है। सो कोई बच्चा ये नहीं कह सकता कि पेपर का लेवल थोड़ा टफ है या फिर जो क्वेश्चंस प्रैक्टिस चल रहे हैं थोड़े से हार्ड लेवल के, नहीं, ये आपके एग्जाम्स के ही क्वेश्चंस हैं, 2018 या 2017 या 2000, आई थिंक 2018 के हैं ये क्वेश्चंस। तो अब अगले क्वेश्चन देखते हैं। देखो मुझे यहाँ पे फिर दोबारा से 2 नंबर रिपीट दिख रहे हैं, मैंने फिर बताया था सबसे पहला अटैम्प्ट हम हमेशा इसके अंदर हम ऑल्टरनेट नंबर्स पे करेंगे, उसके बाद कोई दूसरा अटैम्प्ट करेंगे। तो 6 और 3 9, देखो यहाँ पे कितने गैप है, 3 का गैप है, यहाँ पे 6 का गैप है, 15 और 28 में कितने गैप है हमारे पास, 13 का गैप आ रहा है, और यहाँ पे हमारे पास कितने का गैप आ रहा है, 8 का गैप आ रहा है। तो आई डोंट थिंक सो कि यहाँ पे गैप से तो कुछ हो पाएगा, बट फिर एक बार और देख लेते हैं, 7 और 4 11, 11 और 4 15, 15 और 4 19, ये तो सभी में 4 4 का गैप आ रहा है, इट्स ओके, दिस इज़ ओके। तो अगर मैं 15 के गैप को थोड़ा सा कवर करने की कोशिश करूँ तो क्या गैप नंबर हो सकता है मेरे पास यहाँ पे, वो हमें देखना पड़ेगा। तो 3 6 यहाँ पे 9 होता तो यहाँ पे 12 होना चाहिए था, तो अगर मैं यहाँ पर 9 का गैप करूँ तो 24, अगर मैं 28 की जगह पर 24 कर दूँ, देखो 15 और 24 का गैप हो जाएगा 9, और 24 और 36 का गैप हो जाएगा 12, इट मीन्स 28 इज़ द रॉन्ग ऑप्शन, 28 की जगह यहाँ पर 24 होना चाहिए था। सो क्वेश्चन समझो, मैंने एक ही पैटर्न बता रखा है, अगर किसी भी सीरीज़ में नंबर रिपीट होते हैं तो प्लीज़ आप वही पैटर्न लगाइएगा ऑल्टरनेट वाला, 95% क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। अब बोल रहा है इंट्रोड्यूसिंग नीता, अनिल सेड सी इज़ वाइफ ऑफ माई मदर्स ओनली सन, मैंने आपको ऐसे क्वेश्चन में पैटर्न बता रखा है कि हम हमेशा स्टार्ट करेंगे किससे, माई से। तो माई मदर, देखो अब माई मदर मीन्स मैं यहाँ पर हूँ, और मेरी माता जी कौन हुई, नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव होंगी ना, क्योंकि हम फीमेल को नेगेटिव शो करते हैं और एक स्टेप ऊपर करते हैं। मदर्स ओनली सन, तो मदर्स का ओनली सन मतलब मैं अकेला बेटा हुआ, ये मम्मी हुई और ये अकेला बेटा हुआ, ठीक है। अब बोलते हैं शी इज़ द वाइफ ऑफ, ओनली सन हो गया, अब सी इज़ द वाइफ, अब किसकी वाइफ हो गई, हो इनकी वाइफ हो गई ना, वाइफ ऑफ दिस, तो इसकी वाइफ हो गई, तो मतलब हम इस तरफ जाएंगे और वो हमारे पास क्या हो जाएंगी, नेगेटिव हो जाएंगी, तो ये वाइफ हो गई, तो इसके बारे में बात कर रहे हैं, शी इज़ द वाइफ ऑफ माई मदर्स ओनली सन, ठीक है। हाउ इज़ नीता, नीता इंट्रोड्यूस कर रही है, एंड अनिल सर, अनिल ने बोला था ये बात, तो हाउ इज़ नीता रिलेटेड टू अनिल, नीता हमारे पास क्या लगी, तो देखो अनिल ने कहा था कि ये है मेरी, ये हमारे पास ये जो प्लस है ये कौन हो गया, ये अनिल हो गया, किसको बोला गया है, ये नीता को बोला गया, ये नीता है, तो ये आपस में क्या हो गए, ये तो नीता क्या लगी, नीता हमारे पास वाइफ होगी किसकी, अनिल की, यस और नो, ठीक है, समझ पा रहे हो क्वेश्चन का करने का पैटर्न, देखो माई से स्टार्ट किया तो मदर्स ओनली सन, तो मदर्स ओनली सन ये अकेला बेटा हो गया, शी इज़ द वाइफ ऑफ, ये वाइफ है किसकी, अनिल, ये इसकी, ये बात बोल कौन रहा है, अनिल बोल रहा है, अनिल बोल रहा है कि ये मेरी माँ की अकेलौते बेटे की वाइफ है, कौन, इंट्रोड्यूसिंग नीता, तो नीता के बारे में बात चल रही है, तो नीता क्यों लगी है, नीता हमारे पास वाइफ होगी किसकी, अनिल की, तो क्वेश्चन को थोड़ा सा फिजिकली भी रिलेट कर लेना, समझ में आ जाएगा। मुझे तो फॉलोइंग डायग्राम्स इंडिकेट द रिलेशन बिटवीन ट्रैवलर्स ट्रेन एंड बस, देखो ट्रैवलर तो हमारे पास ट्रेन से भी होते हैं, बस से भी होते हैं, मतलब
ट्रेन से भी जाते हैं, बस से भी, एरोप्लेन से भी, तो कुछ भी हो सकते हैं। तो ट्रैवलर हमारे पास बहुत सारे होंगे और बस और ट्रेन हमारे पास इसके अंदर इंक्लूड हो जाएंगी। ठीक है, फॉलोइंग डायग्राम्स इंडिकेट द रिलेशन बिटवीन वोमेन, मदर्स एंड इंजीनियर्स। देखो, इंजीनियर्स तो हमारे पास वोमेन भी हो सकती हैं और मैन भी हो सकते हैं, तो पहला पॉइंट तो ये क्लियर हो गया। अब सारी की सारी वोमेन मदर्स ही, मदर जो भी होंगी वो वोमेन्स ही होंगी, समझ पा रहे हो? ये अगर सारी की सारी वोमेन है तो मदर्स हमारे पास इसके अंदर ही आने वाली है, और इंजीनियर्स हमारे पास वोमेन्स भी हो सकती हैं और कुछ भी हो सकती हैं। तो चीज़ समझ पा रहे हो? ये देखो ऑप्शन, ये जो बड़े वाला सर्कल दिख रहा है ये हमें दिखेगा वोमेन का, ये जो बीच छोटे वाला सर्कल है ये हो गया मदर्स का। ठीक है, सारी मदर्स वोमेन ही होंगी, लेकिन इंजीनियर्स हैं वो मदर्स भी हो सकती हैं, वोमेन भी हो सकती हैं, और ये बाहर वोमेन से बाहर कौन हो गया? मेल हो गया ना, तो ये भी हो सकता है। तो ऑप्शन इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम्स इंडिकेट्स द बेस्ट रिलेशन बिटवीन ऑथर, लॉयर एंड सिंगर। देखो, ऑथर, लॉयर एंड सिंगर तीनों के तीनों हमारे पास एक अलग अलग प्रोफेशन है। लॉयर एक वकील हो गया, सिंगर एक गायक हो गया, ऑथर लिखने वाला हो गया। सो तीनों हमारे पास एक अलग अलग रिलेशन हैं, तो हमारे पास ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। बोल रहे कि इन द फॉलोइंग फिगर, देखो ये आपके पास फिगर दिख रहा होगा, होप सो आप लोगों को क्लियरली दिख रहा होगा। ठीक है, अगर प्लीज़ नहीं दिख रहा तो आप वीडियो को 240 पिक्सल से जगह 360 पिक्सल पे देख लीजिएगा इस क्वेश्चन को, आपको नंबर्स क्लियरली दिख जाएंगे। ठीक है, देखो आपके पास क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, अगर सब कुछ मेंशन क्वेश्चन में कर रखा है। ये मराठी हो गया, ये इंग्लिश हो गया, ये हिंदी, ये तेलुगु, और ये आर्टिस्ट है, ये प्लेयर से, डॉक्टर से। ठीक है, हाउ मेनी पर्सन्स कैन स्पीक इंग्लिश एंड हिंदी बोथ द लैंग्वेजेस ओनली? इंग्लिश एंड हिंदी, देखो इंग्लिश एंड हिंदी, तो इन दोनों में जब मिले स्क्वायर के अंदर और सर्कल के अंदर दोनों के अंदर आना चाहिए। तो क्या मैं कह दूँ 5% तो यहाँ पे हो गए और 2% ये हो गए, ये 7% 7 लोग ये ऐसे हो गए जो दोनों में हो गए। लेकिन उसने क्या बोला है कि सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश और हिंदी ही बोले और कोई लैंग्वेज ना बोले। अब ये जो 2 है, ये इस 2 अगर यहाँ पर आ गया, इट मीन्स ये देखो, ये हमारे पास तेलुगु भी बोल रहा है, ये 2 हमारे पास तेलुगु भी बोल रहा है, लेकिन तेलुगु को काउंट नहीं करने वाले, क्योंकि हमें क्या बोला गया आगे, ओनली बोला गया है। तो इंग्लिश और हिंदी में हमारे पास सिर्फ 5 बंदे ही ऐसे हैं जो दोनों के दोनों लैंग्वेजेस बोल रहे हैं। 11 बट ये इंग्लिश नहीं बोल रहा, ये 12 बट ये हिंदी नहीं बोल रहा। क्वेश्चन क्लियर है? हाउ मेनी पर्सन्स कैन स्पीक मराठी एंड तेलुगु बोथ? मराठी, देखो मराठी हमारे पास ये ट्राइंगल है और तेलुगु हमारे पास ये स्क्वायर, ये वाला स्क्वायर है, तो दोनों लैंग्वेज बोल सके। अब इसमें ओनली नहीं लिखा हुआ, तो इसमें क्वेश्चन थोड़ा सा अलग तरीके से हो जाएगा। सो 6, देखो 6 इसमें भी है, 7 इसमें भी है, बट 9 इसमें नहीं है, तो 6 और 7 कितना हो जाएगा हमारे पास 13। समझ पा रहे हो? 6 7 मराठी भी बोल रहे हैं और ये तेलुगु भी बोल रहे हैं, तो 6 और 7 13 इज द करेक्ट आंसर। हाउ मेनी पर्सन्स कैन स्पीक ओनली इंग्लिश? देखो कितने पर्सन ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश ही बोलेंगे, क्या मैं कह दूँ 12 लोग ही तो केवल इंग्लिश बोलेंगे, बाकी ये 5 है ये कुछ और भी बोल रहे हैं, 2 भी कुछ और बोल रहे हैं, तो देर आर 12 पर्सन हु कैन स्पीक ओनली इंग्लिश। हाउ मेनी पर्सन कैन स्पीक इंग्लिश हिंदी एंड तेलुगु? इंग्लिश हिंदी एंड तेलुगु, इंग्लिश हिंदी एंड तेलुगु, तो देखो 2, देखो जरा ये 2 है, ये इंग्लिश में भी आ रहा है, ये 2 हमारे पास हिंदी में भी आ रहा है, और 2 हमारे पास तेलुगु में भी आ रहा है, तो 2 हमारे पास, एक 2 लोग ऐसे हैं जो हमारे पास तीनों लैंग्वेजेस बोल रहे हैं, तो 27 का बी। हाउ मेनी पर्सन कैन स्पीक ऑल द लैंग्वेजेस? सारी लैंग्वेजेस जो बोल सके ऐसे कितने पर्सनस हैं? क्या कोई आपको ऐसा बंदा दिख रहा है जो सभी फिगर्स में हो? आई डोंट थिंक सो, कैसा कोई पर्सन होगा जो सभी फिगर्स में काउंटिंग इसकी होगी। इसमें है तो 2 है बट इसमें नहीं है, जो मराठी नहीं बोल रहा है, 9 है वो हमारे पास किस में नहीं है, वो इंग्लिश नहीं बोल रहा, ऐसा कोई भी पर्सन नहीं है जो हमारे पास सारे के सारे लैंग्वेजेस क्लियरली बोल रहा है। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? नन। क्या आंसर इसका हो जाएगा? नन। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। विच सिंबल विल बी ऑन द फेस अपोजिट टू द फेस विद सिंबल स्टार? देखो स्टार के अपोजिट में हमारे पास कौन सा सिंबल होने वाला, हमें वो देखना है। तो आपके पास स्टार के साथ में माइनस है और एट द रेट है, तो एट द रेट तो हमसे क्या बोला है, अपोजिट ना, तो ये नहीं हो सकता, एट द रेट तो हो नहीं सकता। अब स्टार के साथ में एट द रेट है और प्लस है, तो प्लस भी नहीं हो सकता। दो ऑप्शन तो हमने वैसे देख के डिलीट कर दिए, दो ऑप्शन सिर्फ, दो ऑप्शन फर्स्ट 2 डायग्राम को देख के। स्टार के साथ हमारे पास डॉलर नहीं हो सकता और प्लस नहीं हो सकता, तो डॉलर भी नहीं हो सकता, और तो ऑब्वियस है हमारे पास 8 हो गया, हमें और कुछ दिमाग लड़ाना ही नहीं है। अदरवाइज हम पैटर्न बनाते, सीक्वेंस बनाते, सीरीज बनाते, बट हमने देखा ये नहीं हो सकते क्योंकि साथ साथ में है नंबर्स हैं, ये भी साथ साथ में है, ये भी साथ साथ में है, तो ये 3 ऑप्शन तो वैसे ही हमारे पास डिलीट हो गए, तो ऑप्शन नंबर C इज़ द करेक्ट।
यस और नो। और हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30th पर। टू पोजिशंस ऑफ डाइस आर शोन बिलो, हाउ मेनी पॉइंट्स विल अपीयर ऑन द अपोजिट टू द कंटेनिंग फाइव पॉइंट्स। बोल रहे आपके पास दो डाइस दे रखी हैं, अब ये जो आपके पास फाइव है इसके अपोजिट में क्या होगा? सोचो जरा, हमने क्या पैटर्न सीखा हुआ है, जो भी हमारे पास फेस कॉमन आता है उसके एंटी क्लॉकवाइज। देखो यहाँ पे टू है तो यहाँ पे वन आएगा, फिर यहाँ पे फाइव आएगा, इस तरीके से हमने सीक्वेंस बना देनी है। टू यहाँ पर तो टू यहाँ पर भी आ रहा है, तो टू हमने यहाँ पकड़ा, तो टू के साथ में फोर आ रहा है, फिर वन आ रहा है, तो टू फोर और फिर यहाँ पे वन आ रहा है। तो हमारे पास क्या पूछा गया है फाइव के अपोजिट में, तो फाइव के अपोजिट में कौन हो जाएगा हमारे पास, वन। अब आपके पास क्वेश्चन में डाउट आ सकता है कि क्या इसके साथ, अब देखो दो ऑप्शंस बन रहे हैं हमारे पास यहाँ पे, फाइव के साथ वन भी आ रहा है, इसके साथ ये भी आ रहा है, तो इट मीन्स ये वाला पैटर्न हमारे पास नहीं लगेगा। समझो मेरी बात का मतलब, इस क्वेश्चन में ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा, क्योंकि हमारे पास दो चीज़ें क्लियरली शो हो रही हैं कि फाइव के अपोजिट में भी वन शो हो रहा है और फोर के अपोजिट में भी हमारे पास वन शो हो रहा है। सो इट मीन्स वॉट, ये जनरल डाइस का क्वेश्चन हो जाएगा, फाइव के अपोजिट में हमारे पास क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा। ये क्वेश्चन मैं अच्छा क्वेश्चन कहूँगा क्योंकि बच्चे इसमें गलती करके आएंगे। याद करो वो उस लेक्चर में मैंने बताया था, उस वीडियो में मैंने बताया था डाइस वाली वीडियो में, कि अगर हमारे पास कुछ भी ऐसा कन्फ्यूज़न हो तो हमारे पास अपोजिट साइड्स का सम हमेशा सेवन होता है, अपोजिट साइड का सम हमेशा सेवन होता है, तो हमारे पास फाइव और टू सेवन हो जाएगा। ठीक है, सो कैलेंडर डेट, देखो डेट्स को देखा जाता है कैलेंडर में। सो टाइम, क्या घंटे को टाइम में देखा जाता है? नहीं। एक्टर को ट्रांसपोर्ट में? नहीं। वर्ड को डिक्शनरी में? यस, वर्ड्स को डिक्शनरी में देखा जाता है। देखो सीक्वेंस सेम होनी चाहिए, डेट को देखा जाता है कैलेंडर में, तो ऐसे ही क्या आवर को देखा जाता है टाइम में? नहीं। एक्टर को ट्रांसपोर्ट में देखा जाता है? नहीं। वर्ड्स को डिक्शनरी में देखा जाता है? यस। क्या पिन कोड को सिटी में देखा जाता है? नहीं। ये सेंटेंस नहीं हुआ, तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो क्वेश्चन को करने का तरीका देखिएगा, वो इंपॉर्टेंट है। हर्ट को वाले को क्या बोलते हैं हम? कार्डियोलॉजिस्ट। हर्ट्स वाली चीज़ को हम क्या बोलते हैं? कार्डियोलॉजिस्ट। तो ब्रेन वाले क्या बोलते हैं हम? न्यूरोलॉजिस्ट। न्यूरोलॉजिस्ट है ना। ये हमारे पास बाकी जैसे गायनेकोलॉजिस्ट वोमेन्स से रिलेटेड हो गया हमारे पास, ये हमारे पास आईज से रिलेटेड हो गया, इस तरीके से चीज़ें होंगी। अगला क्वेश्चन करते हैं, 6524 6465। देखो पहले तो कोशिश करो कि सब्ट्रैक्ट करके देखो चीज़ें, क्या पता सब्ट्रैक्ट करके चीज़ें आ जाएँ। नंबर्स बड़े बड़े दिख रहे हैं ना हमें, तो सब्ट्रैक्ट करके देख लो, मे बी हो सकता है कि सब्ट्रैक्ट करने पे आ जाए, वरना फिर कुछ और पैटर्न लगा के देखेंगे। तो अगर 6524 में से मैं 6465 को माइनस कर दूँ तो 9 बचेगा, 11 में 6 क्या 5 बचेगा, और बस 59 ही बचने वाला है। तो 9638 में से अगर मैं 9638 में से 59 को माइनस कर दूँ तो क्या आंसर मिलेगा, हम वो देखना चाहते हैं। तो 18 में से 9 गया, कितना बचेगा मेरे पास? 9। और यहाँ पे 2 बचा, तो 12 में से 5 गया, कितना बचेगा मेरे पास? 7। यहाँ पे 5 और यहाँ पे 9। अगर ये ऑप्शन आ रहा है तो ठीक है, अदरवाइज हम कुछ और चेक करेंगे। हमारे पास ये ऑप्शन दिख गया। अब इसके अलावा बाकी अगर कोई और लेवल का क्वेश्चन लगता है तो हम उस चीज़ को नहीं काउंट करेंगे, हम इसको काउंट करेंगे। ठीक है, सो इसको देखते हैं। देखो ऐसे क्वेश्चन में जनरली बच्चे गलती करते हैं, तो आपको वैसे शॉर्ट ट्रिक से भी कर सकते हो। आपके पास 0.616 है और 0.0016, मतलब दो पॉइंट डेसिमल को हमने इधर खिसका दिया है, तो दो पॉइंट डेसिमल अब 1.02 है, तो इधर 00 लगा सकते हो जितना मन करे आपका, तो दो डेसिमल हमने इधर लगा दिया, तो 0.0102 बन गया। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, यस और नो। तो हमने चार डेसिमल्स को हमने दो डेसिमल हमने इधर शिफ्ट कर दिया, तो हमारे पास ये ऑप्शन बन जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं, बोल रहा है सी ए एफ डी, तो सी का मतलब क्या है? 3, ये 1, एफ का मतलब 6 है ना, ये कोडिंग्स याद होंगी, ये 4, आई का मतलब 9, ये 7, ये 12 और ये हमारे पास जे मीन्स 10 हो जाएगा। तो क्या कुछ पैटर्न बन पा रहा है, हमें ये चीज़ देखनी है। तो 3 में 6 ऐड करूँ तो, 1 में 6 ऐड करूँ तो, 6 में 6 ऐड करूँ तो 4, मतलब प्लस का 6 पैटर्न कर बन रहा है, सभी में +6 +6 हो रहा है। सो अब हम डायरेक्ट आंसर लिखेंगे, 15 और देखो ये 15 है, 15 और 6 21, 21 मींस यू। तो क्या ऑप्शन में यू दिख रहा है? मुझे दो ऑप्शन दिख रहे हैं। अब ऑप्शन में देखो कौन सा अगला वर्ड हमारे पास अलग अलग है, तो मींस अगले वर्ड से हमें आंसर मिल जाएगा। तो एम का क्या होता है? 13, 13 में 6 करेंगे तो 19, और 19 में हमारे पास क्या मिलेगा? एस। तो एस हमारे पास इसमें मिला और हमने टिक किया और हम आगे बढ़े, क्वेश्चन में टाइम नहीं लगाना। आगे आर और पी को क्यों चेक करें, हमें टाइम थोड़ा ख़राब करना है। ये क्वेश्चन करते हैं, देखो इस क्वेश्चन में मैंने पैटर्न आपको बताया था कि जो नंबर डिविजिबल हो जाए, देखो माइनस स्टैंड्स फॉर डिविजिबल, ठीक है। पहले कोशिश ये करो कि प्लस डिवीजन वाला देखो कि कौन सा डिवीजन वाला दे रहा है हमें, तो माइनस हमें डिवीजन दे रहा है। तो अगर मैं माइनस को डिवीजन करूँ
माइनस को डिवीजन, अगर इसको डिवीजन किया तो 5 / 8 हो गया, ये हमारे पास डिविजिबल नहीं होगा ना, तो हम इसको बाद में चेक करेंगे, करेंगे चेक लेकिन बाद में, क्या पता कोई और पहले मिल जाए हमें, ये भी नहीं होगा। इसको डिवीजन करो 7/3, तो इसमें देखो 7 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये भी नहीं मिलेगा, क्योंकि एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं हो रहा है। मे बी हो सकता है आंसर, लेकिन इसको बाद में चेक करेंगे। अब इसको देखो 49 को जब मैं चेक डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे डिवीजन किया तो 7 डिवाइड हो गया, इट मींस ये आंसर पहले चेक करेंगे इस ऑप्शन को, तो काफ़ी टाइम बच गया हमारा यहाँ से पहुँचने में। अब प्लस की जगह क्या है, प्लस की जगह मेरे पास है मल्टीप्लाई, तो ठीक है। डिवीजन की जगह मेरे पास क्या है, डिवीजन की जगह मेरे पास माइनस, ठीक है। मल्टीप्लाई की जगह मेरे पास क्या है, प्लस, तो इसको चेक करते हैं। तो ये तो हो गया 7, तो 7 × 3 = 21 हो गया, तो 21 - 5 + 8, तो 21 में से 5 गया तो 16 हो गया, और 16 + 8 = 24। तो क्वेश्चन को हमने विदिन सेकंड्स के, अदरवाइज आप सारे ऑप्शंस में डाल डाल के देखोगे तो काफ़ी टाइम लगने वाला है। इसलिए अगर जिस बच्चे ने सारी वीडियोस मेरी सीक्वेंसली देखी होगी और सारे पैटर्न्स याद होंगे तो वो क्वेश्चंस को विदिन सेकंड्स कर पा रहा होगा, ठीक है। तो दिस इज़ द वे, राइट वे टू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस ऑफ रीजनिंग विद इन ए शॉर्ट टाइम पीरियड, अदरवाइज यू विल फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। और आप लोग अगर टाइम लगाया किसी क्वेश्चन को सोल्व करने में, इसका मतलब ये हुआ कि आप उस बच्चे से काफ़ी पीछे रह गए हो। इफ़ ए डिनोट्स माइनस, देखो ये हमारे पास क्वेश्चन है, तो हमें ठीक है पहले हमने सी, हमने इस पे नज़र जाएगी, तो 14 हमने इस पे, देखो सी की जगह क्या है मेरे पास, मल्टीप्लाई, ए की जगह मेरे पास क्या है, माइनस। हमने बाकी इसको दोबारा थोड़ा लिखना है, क्वेश्चन पेपर में ही इसी के ऊपर लिख दो ताकि हमारा टाइम बचे, हमें तो हर एक मिनट बचानी है। और डी की जगह मेरे पास क्या है, डिवीजन, ठीक है ये डिवीज़न है, सब जगह मैंने अपने सारे चीज़ें डिनोट कर दी हैं। सी की जगह मल्टीप्लिकेशन, ए की जगह माइनस किया, ई की जगह मैंने प्लस किया, एंड डी की जगह मैंने डिवीज़न किया। तो ऑब्वियसली पहले डिवीज़न होगा, जब 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है। और 4 फिर मल्टीप्लिकेशन होगा बोर्ड मार्क्स के अकॉर्डिंग, तो 14 × 3 = 42 हो जाएगा, तो 42, ये बीच में माइनस बचा, ये 12, और ये हमारे पास इधर का डिवीज़न होके 16 हमारे पास ये बच गया, तो 42 में से 12 गया, तो 30 एंड 30 + 2 = 32 इज़ द करेक्ट आंसर। सिलेक्ट द करेक्ट कॉम्बिनेशंस, बस इतना पढ़ा, करेक्ट कॉम्बिनेशन हमें रिप्लेस करना है इसको, इतना पढ़ा हमने, क्वेश्चन भी इधर गए, क्वेश्चन पढ़ने ज़्यादा टाइम खराब नहीं। सो पहले तो हम क्या करके देखेंगे, अगर डिवीजन है तो डिवीजन देख लो, पहले डिवीजन देख लो क्या ये डिवीजन हो पा रहा है। देखो आगे 33 और 11 के बीच में अगर डिवीजन आ रहा है, इट मींस ये डिवीजन हो जाएगा, तो हम सबसे पहले वो चेक करेंगे जो सबसे आगे डिवीजन होगा। सबसे आगे डिवीजन हमारे पास सी ऑप्शन में है, तो इसको चेक करते हैं, सबसे पहले इसको चेक करेंगे ना, डिवीजन और यहाँ पे मल्टीप्लाई और फिर माइनस। तो ये किया तो 3 आ गया, 3 को 3 से किया तो 9 आ गया, 9 में 6 गया, तो हमारे पास ये ऑप्शन तो नहीं बना। हाँ, हम इस ऑप्शन को डिलीट मार देंगे, अब क्लियर है, ठीक है। सो अब हम चलते हैं फर्स्ट ऑप्शन, अब फर्स्ट ऑप्शन से ट्राई कर सकते हो आप। सो 33, फिर प्लस आ रहा है, फिर 11, फिर बीच में माइनस आ रहा है, फिर 3, और फिर बीच में मल्टीप्लाई आ रहा है, फिर 6 आ रहा है। सो आई देखो इतना बड़ा नंबर हमें 115 चाहिए, बट ये तो छोटा छोटा नंबर मिल रहा है, तो हमने कैलकुलेशन क्यों करनी, क्योंकि दिख रहा है 44 और ये 18 माइनस हो रहा है, ख़त्म, ये भी नहीं होगा। 33 को मल्टीप्लाई करेंगे 11 से, फिर डिवीजन करेंगे 3 से, फिर माइनस करेंगे 6 से, ये मे भी हो सकता है। तो 11 देखो कैसे करेंगे इसको सोल्व, 11 / 3 है ना, तो ठीक है, तो ये कटा, ये हमारे पास कटा, तो 11 × 3 = 33, तो 11 × 11 = 121 में से 6 गए तो 115, 121 में 6 गए तो 115, इट मींस मल्टीप्लाई डिवाइड एंड माइनस बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। मे भी हो सकता है किसी किसी वर्ड्स में हमारे पास थोड़ा सा टाइम लग सकता है। फाइंड द ओल्ड वर्ड, हमें ओल्ड वर्ड निकालना है, मतलब जो सबसे अलग हो। देखो मदर, ग्रैंडफादर, फादर एंड वाइफ, ये क्वेश्चन मेरे वीडियोस में भी था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसलिए क्यों, क्योंकि देखो मदर है वो, अब मैं आप अपनी बात कीजिए, मदर है वो आपकी फैमिली की है, ग्रैंडफादर है वो भी आपकी फैमिली के, फादर वो भी आपकी फैमिली की, लेकिन जो वाइफ होती है वो दूसरे परिवार से आती है उस टाइम के लिए, तो अभी वो थोड़े टाइम पहले शादी से होने से पहले अभी वो किसी और फैमिली की है, लेकिन जब फैमिली में एंट्री हो जाएगी तो हमारे पास फैमिली में काउंट होगी। लेकिन थोड़ा सा जो ओल्ड वर्ड हुआ वो कौन सा हुआ, वाइफ हुआ। फाइंड द ओल्ड वर्ड, अभी भी हमारे पास ओल्ड वर्ड है, ओनियन, टोमेटो, पोटैटो, कैरेट। देखो ये जो सारी चीज़ें हैं वो कहाँ कहाँ पर चीज़ें उगती हैं, हमें वो चीज़ देखनी है। पोटैटो हमारे पास कहाँ उगते हैं, ज़मीन में, है ना। कैरेट भी हमारे पास इन द अर्थ, है ना, ग्राउंडेड होते हैं सारी चीज़ें। प्याज हमारे पास कहाँ उगती है, नीचे। बट टमाटर आपके कहाँ पर रुकते हैं, टमाटर आपके अबाउ द ग्राउंड होते हैं।
फाइंड द ओड वर्ड पेयर फ्रॉम द गिवन रिस्पॉन्सेज जनवरी अप्रैल जुलाई मई. ये कौन सा मंथ है? फर्स्ट. ये कौन सा मंथ है? फोर्थ. जुलाई कौन सा मंथ है? सेवन्थ. और मई कौन सा मंथ है? फिफ्थ. तो इससे तो मैं काउंट कर नहीं पा रहा हूँ. देखो ये वैसे ओड है, ओड है, ओड है, ये इवन मंथ है. एक तो रीज़न ये भी हो सकता है, हो सकता है, बट अभी कंफर्म नहीं करेंगे. अच्छा एक चीज़ और देख लेते हैं. जनवरी कितने मंथ का होता है? 31. अप्रैल, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये होता है 30 डेज का. जुलाई, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, तो इट मीन्स ये 31 डेज का. मई, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ये भी हमारे पास 31 डेज का. अब सर हम किसको टिक करें, ओड वाले मंथ को या इवन वाले मंथ, ओड इवन मंथ को या फिर डेज वाले? देखो ऐसे क्वेश्चन में हमेशा हम डेज को प्रेफरेंस देते हैं, क्योंकि डेज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मंथ में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? डेज इंपॉर्टेंट है. तो हम हमेशा अप्रैल को ही टिक करेंगे, क्योंकि हमारे पास इसके अंदर 30 डेज आ रहे हैं. ठीक है. सो फाइंड द ओड वर्ड पेयर फ्रॉम द गिवन रिस्पॉन्सेज. मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ, अगर पूरे पेपर के अंदर, पूरे 50 क्वेश्चंस में, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में लगता है कि हाँ ये सर ये आंसर हो सकता है, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा. अदरवाइज बोल दीजिएगा नहीं सर पेपर इज़ ओके, ऑल आंसर्स आर राइट. फाइंड द ओड वर्ड पेयर फ्रॉम द गिवन रिस्पॉन्सेज. तो ओड वर्ड देखते हैं. देखो थ्री का मुझे 30 क्यूब के आसपास दिख रहा है. थ्री का क्यूब प्लस थ्री है ना, 27 प्लस थ्री. फाइव का क्यूब प्लस थ्री, बिल्कुल सही दिख रहा है. एट का क्यूब प्लस थ्री कितना होता है? एट का क्यूब कितना होता है वो बता देंगे अगर आप, तो आपका काम हो जाएगा. सिंपल सी बात है. एट का क्यूब 512 होता है, बिल्कुल थ्री है. ये भी सही है, ये भी सही है. आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? ये 9 का क्यूब होता है 729, और प्लस में अगर 3 करेंगे तो 732 हो जाएगा, ना कि 731. तो आंसर इज डी. फाइंड द ओड वर्ड पेयर फ्रॉम द गिवन रिस्पॉन्स इज ईयर 2012-98. देखो जब भी ईयर वाले क्वेश्चन आएंगे ना, 99% केस है कि आपके लीप ईयर वगैरह केस बनेगा. सो ईयर 2012 और लीप ईयर कौन से होते हैं जो 4 से डिविजिबल हो जाएं? तो ये हमारे पास 4 से डिविजिबल हो जाएगा, इट मीन्स दिस इज ए लीप ईयर. 98 देखिएगा, लास्ट की 2 डिजिट है ना, तो 4 2 8 और 1 8, 4 से डिविजिबल नहीं होगा, लीप ईयर नहीं होगा. ये भी लीप ईयर नहीं होगा, ये भी लीप ईयर. तो सबसे ओड वर्ड क्या हुआ? लीप ईयर हुआ. 2012 इज ए लीप ईयर. 44 पर आते हैं. सो हमारे पास देखो कभी भी अल्फाबेट्स दिखे तो आपको एक काम तो करना ही पड़ेगा. 14 15 1 2 है ना, मुझे अलग ही दिख रहा है ये. 15 और ये 16, ये 2 और ये 3, ये 16 और ये 17, ये 3 and 4, मुझे क्लियर दिख रहा है. 14 15 15 16 16 17, तो 17 18 आ जाएगा. 1 2 2 3 3 4, तो 4 और 5 आ जाएगा. यस और नो? 17 हमारे पास क्या मिलेगा? क्यू. आर हमारे पास क्या मिलेगा? आर. 18 पर आर. 4 पे हमें क्या मिलेगा? डी और ई. तो क्यू आर डी इज द करेक्ट ऑप्शन. तो मुझे क्लियरली दिख रहा है कि 14 15 1 2 15 16 2 3. तो आप सीक्वेंस सबसे पहले कभी भी अल्फाबेट्स दिखें तो आप सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? कोडिंग्स लिखेंगे उन क्वेश्चंस के. इसलिए कोडिंग्स के बिना आप देख रहे होंगे कोडिंग्स पर हमारे पास कितने क्वेश्चंस बेस्ड हैं, कितने क्वेश्चंस हम सोल्व कर चुके हैं कोडिंग्स पर. सो आप लोग मुझे लास्ट में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि पेपर का लेवल आपको इजी लगा, जो ये 50 क्वेश्चंस किए हैं, मॉडरेट लगा या टफ लगा, और हाउ मच यू विल स्कोर इन दीज 50 क्वेश्चंस. आउट ऑफ 50 क्वेश्चंस हाउ मच क्वेश्चंस आर यू करेक्ट? सो अब ये क्वेश्चन देखा, हमने इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रखी काफ़ी बार. काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. हमारे पास टोटल 16 वर्ड्स हैं, इट मीन्स हम 4 4 डिजिट का पेयर बनाएंगे. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 बन गए पेयर्स. अब देखो आगे हमारे पास ए है फिर बी है. अब यहाँ पे देखो लास्ट में 2 ए है, तो मे भी हो सकता है कि यहाँ पे ए आ जाए. तो अगर यहाँ पे ए आ गया तो ए बी ए ए ए बी ए ए ए बी ए ए ए बी ए, बिल्कुल सही बन गया. तो ए बी बी ए ए ए बी बी ए, दिस इज द करेक्ट आंसर. यस और नो? ए बी बी ए हमें क्लियरली दिख जाएगा. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 वर्ड्स के हैं. या तो 3 3 3 के बनेंगे या 4 4 के बनेंगे. तो पहला कोशिश हम क्या करेंगे, 3 3 के बना देते हैं. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 एंड 1 2 3. सो देखो यहाँ पे ए डैश बी है, बट यहाँ पे बी यहाँ पर आ गया. समझ पा रहे हो? अब हो सकता है कि मे बी कि फर्स्ट और लास्ट हमारे पास मैच कर जाए. तो अब देखो ये वाला, देखो क्या कहना चाह रहा हूँ. ये देखो ये बी ए है और ये बी ए है, तो लास्ट में हमारे पास ये वाला तो मैच कर रहा है. तो इट मीन्स वॉट? तो ये वाला मैच करना चाहिए.
जब ये वाला और ये वाला मैच करना चाहिए तो यहाँ पे ए डैश बी है तो यहाँ पे तो ए आएगा, लास्ट में बी है तो यहाँ पे बी आ जाना चाहिए, यहाँ पे बीच में बी है तो यहाँ पे बी आ जाना चाहिए, तो ये फर्स्ट बी और ये तो सेम आ जाना चाहिए। अब रही बात यहाँ पर, अब या तो यहाँ पर दोनों जगह ए और ए आएगा, देखो ए बी बी यहाँ पे, या तो ए और ए आएगा या बी बी आएगा। अगर मैं ए और ए डाल देता हूँ तो क्या बनेगा, बी ए बी ए क्या बन रहा है, बी ए बी ए नहीं बन रहा है। अगर इसकी जगह मैं बी डाल देता हूँ तो क्या बनेगा, बी बी ए बी बी, यस और नो। तो ऐसे आप क्वेश्चंस को एलिमिनेट कर सकते हो ऑप्शंस को और आपका आंसर हो जाएगा या तो ए आने वाला या बी बी, तो बी और बी आ गया तो बी, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ये देखिएगा ये क्वेश्चन मैंने फिर दोबारा से वीडियो में करवाया था, आपके पास कितने वर्ड्स बन रहे हैं, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24 वर्ड्स बन रहे हैं। तो 24 में तो 4 4 के, अगर कभी 24 वर्ड्स के बनता है तो आप कोशिश कीजिएगा 6 6 के बनाइएगा, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, और ये भी 6 हो गया। तो अगर ध्यान से देखें तो एस एच, देखो यहाँ पे थर्ड वर्ड नहीं पता लेकिन फर्स्ट सेकंड थर्ड वर्ड हमारे पास यहाँ पे ई दिख रहा है मुझे, तो यहाँ पे मैं अगर ई पुट कर देता हूँ तो क्या बना, शील, ये तो शीला बन गया, शीला, ये भी शीला, ये भी शीला और ये भी शीला, तो शीला शीला शीला, तो ई एच एस एल, ई एच एस एल, ऑप्शन सी इज करेक्ट। सिंपल क्वेश्चन था, इन ए सर्टेन कोड द वर्ड्स कम एट वंस वर रिटन एज दिस। देखो बच्चे कम एट वंस को ऐसे लिखा गया है, तो आपको ये चीज़ देखना है कि ये कौन से वर्ड पर है, 3 पर, ये कौन से वर्ड पर है हमारे पास 24 पर, ये कौन से वर्ड पर है 15 पर, और ये किस पर हमें 12, एल किस पर है 12 पर। मुझे दो वर्ड से मुझे क्लियरली समझ में आ गया कि 3 और 24 27 मिल रहा है, 15 और 12 27 मिल रहा है, तो आगे भी 27 मिलने वाला है। मैं एक बार एक रेंडमली एक वर्ड चेक कर लेता हूँ, सपोज करो ये 5 है तो ये 22 है, ये भी 27, मतलब हमें बाकी सभी कोडिंग्स का जो पेयर्स हैं उनका सम 27 मिलने वाला है। सेम कोड ओ है, ओ है 15 पर, तो 15 और 12 27, तो 12 हमें किस पे मिलने वाला है, एल पर। के 11 पर होता है, 11 में क्या ऐड करूँ 27 मिल जाए 16, तो 16 हमारे पास क्या होता है, पी होता है, तो एल और पी इज द करेक्ट आंसर। सो क्वेश्चंस का लेवल आप समझ पा रहे होंगे कि आपके एग्जाम्स में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, यस और नो। इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज सब्स्टिट्यूशन इज रिटन एज दिस। देखो सब्स्टिट्यूशन SUBSTI, तो क्या कह दूँ, SUBSTI दिख रहा है साफ साफ, SUBSTI, तो TUITON, TU देखो TUTION, पहले आधा इधर फिर आधा इधर, ऐसे और फिर ऐसे, हमारे पास वर्ड क्या डिस्ट्रीब्यूशन, तो कितने वर्ड्स हैं, तो DISTRI, तो DISTRI ये बिल्कुल ठीक है, BUTION, BUTION मुझे तो यही पहला ऑप्शन दिख रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं, SUBSTI देखो SUBSTI, TUTION बिल्कुल ठीक बात है, ये डिस्ट्री और ये ब्यूसन, तो बस ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो गया, आगे हमें चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, 50 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको फाइंड द मिसिंग टर्म करनी है। देखिएगा हम इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा दिखता है, 42, 60, 92, पहला पहली कुछ कोशिश करेंगे हम कभी भी ऐसे पैटर्न्स के अंदर, तो हम इन तीन वर्ड्स को देखते हुए हम इस वर्ड को बनाने की कोशिश करेंगे क्योंकि सबसे बड़ा नंबर हमें ये दिख रहा है। तो पहले तो एडिशन करते हैं, 10 और 5 15, 15 और 6 21, तो 21 का मुझे डबल दिख रहा है तो 42, 17 और 3 20, 20 और 14, 34 का मुझे डबल दिख रहा है, ठीक है, 15 और 23, तो 23 में क्या ऐड करूं कि मुझे 92 मतलब डबल मिल जाए, तो 92 का हाफ कितना होगा हमारे पास, पहली चीज़ क्लियर करो, 92 का हाफ होगा हमारे पास 46, तो 23 में हम क्या ऐड करेंगे 46 मिल जाए, 23 ऐड कर दो, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास 23। सो आई थिंक आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। कोई भी अगर डाउट है आपका, कोई भी अगर आपको लगता है कि इस क्वेश्चन का हम इस क्वेश्चन को इस तरीके से सोल्व कर सकते हैं, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि सर आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से सोल्व कर सकते हो, या फिर कोई भी आंसर में अगर मिस्टेक लगती है आपको तब भी आप कमेंट कर सकते हो, और आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए प्लीज़ आप वो भी कमेंट करिएगा कि कौन से टॉपिक पर आपको नेक्स्ट लेक्चर चाहिएगा, ठीक है। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा और मस्त रहिएगा।